गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं दीपक पंत। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है अभी यूटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप अरुण सर को जानते ही हैं। अरुण सर यहां पर मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं। अरुण सर ने इससे पहले सैनिक स्कूल में भी मैथमेटिक्स पढ़ाया था। उसके बाद अरुण सर का जो LT आपका कोर्स है वह बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब अरुण सर आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लेके आए हैं, वो है यूटेट के लिए। यूटेट मैथमेटिक्स आपको हमारे चैनल पर, हमारी अपनी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप पर आपको अरुण सर पढ़ाएंगे। तो अरुण सर आज आपको बताएंगे कि वो अपने इस नए कोर्स में, नए नवेले कोर्स में आपको क्या क्या बताने जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ाने जा रहे हैं, या ये कहें कि आप यूटेट में मैथमेटिक्स में पूरे के पूरे नंबर कैसे लाएं, ये आपको अब अरुण सर बताएंगे। हेलो गाइस, तो जैसा सर ने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे सैनिक स्कूल के कोर्सेज स्टार्ट कर चुका हूँ और वो सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया है। और साथ ही साथ हमारा एक LT मैथमेटिक्स का कोर्स भी चल रहा है जिसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत प्रॉपर वे में, बहुत एक सही तरीके से हम उस कोर्स को चला रहे हैं। दूसरा, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी यहाँ पे यूटेट के फॉर्म्स आए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यूटेट की बहुत सारी क्लासेस ली हुई हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गुरुजी उत्तराखंडी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आप यूटेट की मैथ्स की क्लासेस देख सकते हैं। तो अब इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे यूटेट का एक पेड कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें जो हम क्लासेस का पैटर्न रखेंगे वो आपको थोड़ा टाइम के बाद रिवील कर दिया जाएगा। और उसमें एक वीकली लाइव क्लास रखी जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके यूटेट में मैथ्स के टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, वो एक बिल्कुल सिंपल सी बेसिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं। बट होता क्या, थोड़ा सा उनको घुमा फिरा के पूछा जाता है और अगर आपको थोड़े उसमें बेसिक्स वगैरह क्लियर हैं तो आपको फोकस क्या करना है। देखो, एक चीज़ होती है क्वेश्चंस, जो कि आपको मैंने बताया कि वो टफ नहीं होते, वो क्या होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका सबसे पहली चीज, आपका अगर बेसिक क्लियर है तो, क्योंकि मेन फोकस तो हमको कहां पे करना है, बेसिक्स पे करना है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो उसके बाद जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, जरूरी नहीं है कि वहां पे सेम क्वेश्चन आपको वही देखने को मिले। कुछ भी घुमा दिया, जरा सा घुमा दिया तो वहां पे लगता है कि नहीं ये कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं आपको फिर सिंपल सी एक बात कहना चाहूंगा, जो आप वहां पे क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल सिंपल से हैं और ऐसे क्वेश्चन आपने किसी को पढ़ाए भी होंगे, खुद तो आपने किए ही हैं और औरों को भी सिखाया होगा, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं आते क्वेश्चन। बट फोकस कहाँ पे करना है, टाइम मैनेजमेंट पे, चीजें बेसिक तौर पे करनी है और जो आप क्वेश्चन को करने में टाइम लगाते हैं उस टाइम को कम करना है, ताकि आपके क्वेश्चन जो मिनटों में सॉल्व हो रहे हैं वो मिनटों में सॉल्व ना होकर के कहाँ हो, सेकंडों में सॉल्व हो। जैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम है, टाइम एंड वर्क है, नंबर सिस्टम आपका घुमा फिर कर रियल नंबर के पार्टीशन, हालांकि बहुत सारी चीजें मैंने इसमें बताई हुई हैं, तो इससे कई तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, राइट। नंबर सिस्टम अपने आप में एक पूरा क्या है, सागर है, कहीं से भी क्वेश्चन कैसा भी उठा लो। तो वही है कि कितना आपका बेसिक क्लियर है इसमें। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे जो हमारे फ्री के लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं, आप वहां पे जाके क्या करिए, अगर आप यूट्यूब में सर्च करते हैं यूटेट मैथ्स करके तो वहां पे आपको लेक्चर्स दिख जाएंगे, आप उनको बेसिक तरीके से देखिए। और जैसे आपको एक टॉपिक बताता हूं मैं यहाँ पे, जैसे टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई तरह के क्वेश्चंस रिवील कर सकता है, कई तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर आपको लगता है आप इसमें एक्सपर्ट हैं तो प्लीज कोशिश कीजिए कि थोड़े टफ क्वेश्चंस करें, वहां पे आप जरूर घूमेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग पोर्शन है, हमें लगता है कि हम एक पैटर्न रट लेंगे इसका और चीजें हो जाएंगी, तो टाइम एंड वर्क में इस टाइप से चीजें नहीं हो पाती हैं। तो कोशिश करना है कि इस टॉपिक को आप बहुत ढंग से प्रिपेयर करो, हालांकि सारे टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट हैं तो जितना पढ़ो उतना कम है, बट मैं मेन कहना चाहूंगा, मेन चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है, बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स ऐसे क्वेश्चंस को भी जल्दी सॉल्व कर देता है कभी कभार, कि आपको लगता है अच्छा ये क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल भी होते हैं, एक छोटी सी बेसिक चीज आपको पकड़नी होती है क्वेश्चन में बस। तो मेरा मेन टारगेट ये है कि आप क्या करें, टाइम को मैनेजमेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपका पेपर में जो टाइम मैथ्स वाला पोर्शन है ना, जो आपका मैथ्स वाला पोर्शन है वो इजीली हो जाए, उसमें आपको सोचना ना पड़े ज्यादा, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और जैसे आपके टॉपिक से, मैं कुछ टॉपिक से नाम आपको बताता हूँ कि उसमें क्या क्या है। जैसे अगर मैं यूटेट 1 की बात करूं तो इसमें संख्या पद्धति, जोड़ना व घटाना, गुणा भाग, भिन्न, भार, धारिता, समय, मुद्रा, पैटर्न्स, वृत्त, त्रिज्या, व्यास में परस्पर संबंध, ज्यामिति, चर समीकरण, आंकड़ों का प्रबंधन। और अगर मैं यूटेट 2 की बात करूं तो यूटेट 2 में आपको कौन से टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, यहां भी काफी तक सिमिलर टॉपिक्स हैं, जैसे संख्या पद्धति, भिन्न, प्रतिशतता, लाभ हानि, समय और कार्य,
पाइप तथा टंकी संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक एससीएफ एलसीएम जिसको बोला जाता है, अनुपात एवं संनुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्गमूल तथा घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट्स यानी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, घातांक एंड करणी, चाल समय दूरी, नाव एवं धारा, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, मिश्रण, साझा यानी पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं हम, बीजगणित, समंकों की व्यवस्था तथा सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स वाला पूरा पार्ट है यहाँ पे, बेसिक्स हैं जिसमें मीन मोड मीडियन की हम बात करते हैं, क्षेत्रमिति, क्रमचय और संचय संभाव्य, क्रमचय संचय यानी आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, इसमें बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इतना अच्छा टॉपिक है ये कि इसमें अगर आपका मन लग गया करने में तो इससे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, द्विघात समीकरण, द्विपद प्रमेय, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी, कोणों का वृत्तीय माप, न्यायमक ज्यामिति, तो ऐसे आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जैसे इसमें विविध एंड गणित शिक्षण, ठीक है, थोड़ा आपका पेडागजी वाला पार्ट भी है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यह है कि आपको देखो टॉपिक्स बहुत सारे दिख रहे होंगे, बट सारे टॉपिक क्या हैं, सिंपल हैं और हर किसी ने इन टाइप के क्वेश्चन को जरूर किया होगा, तो बस फोकस कहाँ पे करना है कि हम यहाँ पे इसका टाइम कम कर सकें, राइट। तो हम इसी सोच के साथ ये कोर्स यहाँ पे लॉन्च करेंगे और आई होप आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। तो मैं आपसे अभी कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे यूटेट के जो प्रीवियस जो हमने लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं उनको जा कर के देखें, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब हम मिलेंगे आपको नए कोर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।